क्योंकि अब ये रेंग रेंग के चल रहा है, क्योंकि इसमें चलने की गुंजाइश नहीं है, भीड़ इतनी हो चुकी है, क्योंकि ये सब लोग वही है, उनका बेटे भी आगे जो उम्र समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक सामने उनके आगे आगे चल रहे उम्र लोगों को मना कर रहे हैं कि आगे से हटें, जगह दें, क्योंकि आप देखिए जो इनका शरीर है वो लोग जो इनके समर्थक है उसको पकड़। अब सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी पुलिस के समझ नहीं पा रहे हैं कि किसकी एंट्री कराएं और किसकी नहीं कराएं, वो देखा जा सकता है। सबसे पहले ये तस्वीर न्यूज 18 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि कैसे ये जो इनका देखिए पुलिस उनको समझाने का प्रयास कर रही है, उनके भाई जो पूर्व विधायक है उनको समझाने का, अफजाल भी बाहर आने वाले हैं वो भी पहुंच रहे हैं ताकि लोगों को समझाया जा सके। धक्का देते हुए निकल चुके हैं, देख लीजिए कि सबसे पहले तस्वीर एसपी को भी धक्का देते हुए निकल गए लोग अंदर, एसपी सिटी खड़े, डीएम खुद किनारे हो गई क्योंकि इतनी भीड़ है, जनाजा अंदर नहीं जा पा रहा है, ये अपनी दिशा बदल रहा है। अब एसपी अपना कभी चश्मा संभालते हैं, कभी अपना मोबाइल, कभी अपने माइक को, क्योंकि लोगों को पहले बता दिया गया था कि इसके आगे उनका बेटा उमर अनाउंसमेंट कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। जिन नातेदारों को आना था वो इस भीड़ के कारण पीछे रह गए, वो लोग जिन्हें समझाने का प्रयास किया वो अंदर हो गए। पुलिस ने हालांकि समझाने का प्रयास किया, लाठी थोड़ी बहुत पटकी, लाठी नहीं चलाई पटकी, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि ये अंतिम यात्रा है न कि कोई राजनीतिक मंच है, लोग समझे इस चीज को, क्योंकि जिस अंतिम यात्रा में आए उस व्यक्ति को अपनी श्रद्धांजलि दें और अपने घर जाएं।